वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। और भी हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे इसको, और करना भी चाहिए। तो अच्छे से ये होली मनाएं, दुलंडी अच्छे से अच्छे अच्छे कलरों से सेफ्टी के साथ में कलर से होली खेलें, क्योंकि थोड़ा बच्चों का भी थोड़ी आंखों में जाने का थोड़ा डर रहता है। तो थोड़ा आराम से और देख के खेलें सावधानी के साथ में। तो फ्रेंड्स अभी शाम का वक्त हो रहा है, देखिए 5:30। और इधर ये देखिए हमारे घर का हाल, घर के हाल है। ये इधर खेल रहा है, देखो गुन्नू इधर देखना। हैप्पी होली बोलो, जोर से बोलो, हैली होपी नहीं हैप्पी होली। इसने तो बोल दिया होली होपी। और ये इधर देखो अभी देख रहा है, ये टीवी देख रहा है। अरे शाम का टाइम है और हमारे यहाँ पे साउथ में क्या होली त्यौहार है यहाँ पे नहीं मनाते, ये तो हमारे अपने उधर का ही त्यौहार है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है होली का आज। तो करते हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जो हमारे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो कल मनाएंगे दुलंडी, तो कल ही खेलेंगे रंगों से। घर पे तो अपने आज ही होली मना रहे हैं दुलंडी कलरों के साथ में, आज ही खेल रहे हैं, बट यहाँ पे हम कल खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे छुट्टी उट्टी भी नहीं होती, तो थोड़ा कल ही खेलेंगे सब मिलके हिंदी वाले। तो अभी देखते हैं। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं खाना बना रही हूँ पूड़ी और खीर और छोले की सब्जी। तो बनाते हैं और त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं साथ में। चलिए फ्रेंड्स अब मैं किचन में जाके काम करती हूँ, बहुत सारी बातें हो चुकी है। ये मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे काम कर लिए। देखिए यहाँ पे मैंने सभी सब्जियाँ काट के रेडी कर लिए। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी काट लिए और इधर ये अदरक और हरी मिर्च ये सब काट के रेडी कर लिया। और यहाँ पे मैंने उसके लिए खीर के लिए भी ऑलरेडी ड्राई फ्रूट कट करके रख दिए, और इसमें इस इलायची का पाउडर है, और इधर ये छोले भी मैंने उबाल लिए हैं। तो अब खाना बनाते हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्रियाँ होती है उसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब फटाफट खाना बना देते हैं। चलिए सबको भूख भी लग रही है। ले मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए छोले उबल के कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, देखिए अभी गर्म है। और इधर मैंने मसाला भी बना लिया है। तो इसको पकने देते हैं और थोड़ी देर बाद में इसको डाल देंगे। और ये छोले को ग्रेवी के अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। और जो पूड़ी है ना या तो पनीर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, छोले की सब्जी की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मेरा मन था कि छोला ही बनाया जाए, पनीर तो बनाते रहते वरना मैं छोले की सब्जी अधिकतर भटोरे के साथ में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए डालने के बाद में कितना अच्छा कलर आया, अब पकने देते हैं इसको। सो फ्रेंड्स मैंने सभी काम कर लिए, इधर ये खीर भी बन के रेडी है और इधर सब्जी और पूड़ी थोड़ी सी मैंने बेल के रख ली है। तो ये ऑयल भी गर्म हो गया और मैं पूड़ी निकाल रही हूँ गरम गरम। ये देखिए कितनी ज्यादा अच्छी फुली फुली पूड़ियाँ बनी है। और आज गुन्नू को है ना मैंने शाम को ऐसे बोला कि गुन्नू आज पूड़ी बना रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ छोले की, तो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मम्मा आज पूड़ी बना रही है, जल्दी जल्दी बना, मेरे को भूख लग रही है। तो अभी वो भी बैठा है खाना खा रहा है, उधर मेरी पूड़ियाँ भी बन के सभी निकालूंगी, इतनी ज़्यादा अच्छी बन के रेडी हुई है। पहले तो इसमें निकालूंगी तो आज क्या है थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि जो पूड़ी बनाते हैं ना तो पूरी रूम के अंदर धुआं ही धुआं हो जाती है, ऑयल ऑयल की स्मेल भी हो जाती है। तो मैंने जल्दी से निकाल के, थोड़ा पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जल्दी से काम करके थोड़ा फ्री हो जाएंगे। और अब बस खाए भी रहे हैं तो थोड़ा क्या है कि ऑयल जब पूड़ी वूड़ी बनाते हैं ना तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिमाग में चढ़ जाती है,
और ख़ास तौर गर्मी के वक्त में। चलिए सर्व करते हैं। यहाँ पे अब मैं काम से फ्री होके बस खाना सर्व कर रही हूँ सबको। तो हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे हमारे साथ में, तो पहले उनको खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी डाल दी है और अब खीर डालूँगी और पूरी डाल के सर्व खाने के लिए रख देंगे। और आज छोले की सब्जी को मैंने थोड़ा ऐसे ग्रेवी टाइप में ही रखा है, ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि पूड़ी के साथ में थोड़ी अच्छी लगती है। और ये इधर खीर, गरम गरम खीर। बहुत दिनों बाद में खीर बनाई हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों खीर नहीं खाते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तभी हम खीर बनाते हैं। तो आज थोड़ा फेस्टिवल भी था, त्यौहार, और भाई भी आया हुआ था, इसीलिए खीर बनाई थी मैंने। और अब बस खाना खा रहे हैं इधर। इधर खाना खाते वक्त बस थोड़ी मस्ती चल रही है इनकी। और अब बस सब काम से ये खाना वाना खाने के बाद में अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। खाना खाने के बाद में इतना सारा काम फैल जाता है, जब तक किचन हमारी साफ़ सफाई नहीं होती ना तब तक कोई भी काम नहीं होता हमारा। तो अभी तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए, तो बर्तन वर्तन साफ कर लेती हूँ जल्दी से। और अभी तो गैस की सफाई भी करनी है, क्योंकि जिस दिन पूड़ी बनाते हैं ना थोड़ा ऑयली ऑयल हो जाता है किचन के ऊपर। सोने की तैयारी चल रही है, ऑयल में फेस भी धोयाई। और अब मैं क्या है कि थोड़ा भूल रही हूँ, पर भूल गई कि कल कोई भी कलर लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से पहले हेयर में ऑयल डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल हेयर में अगर कोई कलर करेगा तो हेयर खराब हो जाएगी, तो मैं ऑयल डाल जाती हूँ फिर। चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।